पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। 13 दिन स्वाध्याय में आज 6वां दिन है। आज हमारा स्पीकर रजनी दैया मैडम और हमारा होस्ट सरिता जया जी, और आज भजन प्रस्तुति करेगा सरिता दैया मैडम। प्लीज आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए। सरिता मैडम, हेलो मैडम, मैडम आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट है। नमस्ते ऑल द मास्टर्स, अभी शायद सरिता मैडम आ जाएंगी। रजनी मैडम नमस्ते, आपका स्वागत है। थोड़ा जोश से बोलो, नवीन जी तो है नहीं, मुझे पता लग गया वो तो बाहर है आज है। और आज आप बहुत ही अच्छे, जो चार हमारे प्रिंसिपल्स हैं मेन, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का जो रजनी मैडम आज बताने वाली हैं हम सबके सामने। शायद ये बहुत बड़े बड़े छोटी सी बात में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें आज मैडम हमारे सामने रखने वाली हैं। और मैं चाहूँगी कि रजनी मैडम से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी और नवीन दैया जी जींद में जब पोस्टिंग थी और हम सब ने मिलकर जब ध्यान की अलख लगाई थी, तो हम रजनी मैडम को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए और जब ध्यान में आई तो। और मैं सबसे पहले एक बात बताऊं कि जो रजनी मैम है ना, मतलब वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, मतलब बाहर और भीतर एक का चीज है। मतलब जो वो अपने अनुभव बताती हैं तो वो बिल्कुल ऐसे निष्पक्ष तरीके से बताती हैं, जो उनको अनुभव हुआ है उसमें कोई भी बात ज्यादा कटु या वैसे मुश्किल शब्दों में नहीं बताती, बहुत ही आसान शब्दों में उसको बयान करती हैं। तो रजनी मैम आपका स्वागत है, और शायद सरिता मैडम भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, वो आपके बारे में बताने वाली हैं। सरिता मैडम हमारी जो ब्यूटीफुल सोल है, जिसने पूरा ये स्वाध्याय का सीरीज जो है एज ए होस्ट संभाला हुआ है। रजनी मैम, सरिता मैम आप प्लीज रजनी मैडम के बारे में बताइए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सरिता मैम? आवाज आ रही है। हाँ जी मैम, पीएमसी हरियाणवी चैनल के सभी दर्शकों को सरिता दैया की प्यार भरी राम राम। जैसा कि हम सब ने बेरा है कि आज स्वाध्याय का 6वें वक्ता का दिन है, जो रजनी मैडम है, रजनी दैया मैम है, वो 6वें वक्ता के रूप में हमारे सामने आई है। अगर मैं रजनी मैडम का व्यावसायिक तौर पर परिचय दूं तो वो एक फिजिक्स की लेक्चरार है, भौतिक विज्ञान की लेक्चरार है। और देखो यो किसा संगम हो रहा है, जो भौतिक विज्ञान है वो तो जड़ चीजा का अध्ययन करे है, हर चीज सिखाओ की जड़ चीज है, और जो अध्यात्म है यो न को है कि भी पत्थर में भी चेतना है। तो मैडम तो व्यवसायिक तौर पर भी जड़ चीज पढ़ावे, मैडम भौतिक विज्ञान की लेक्चरार है और उनका जीवन अध्यात्म तो पूर्ण। तो यो संगम रजनी मैडम के साथ होया है, एक यो विचित्र घटना इसी अध्यात्ममय वस्तुएं हैं जो हमने रोज रोज नई नई देखने मिला है। और रजनी ये चीजें हमने सोचे भी मैं आ गया, मेरे को बुला लिया। मेरा यू मानना है कि ये पूर्व जन्म के कर्म है, हम प्रोफेशन में कुछ भी बन जा, कुछ भी कर ले, लेकिन भीतर ते एक अंत प्रेरणा हुआ है, एक चेतना हुआ हमेशा जागृत रहा है। और जब भी उसने इस तरह का माहौल मिला है, इस तरह का मौका मिला हुआ, अपने आप प्रफुल्लित होती चली जाए, अपने आप फलीभूत होती चली जाए। और वही रजनी मैडम के साथ होया। रजनी मैडम ने बताया कि भी
इन चीजा मैंने कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बचपन से एक लोग देखा करते भी पेड़ लगाने चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, इस तरह की जो भी क्रियाएं होया करती उन्हें देख कर मन में प्रेरणा आया करती कि मन भी इसे काम करने चाहिए। लेकिन जो उनकी पढ़ाई थी वह इसी थी कि भी सारी चीजा न जड़ बतावे है, लेकिन अध्यात्म मार्ग का सीख्या भी पेड़ भी मुस्कुरावे है, केवल पेड़ ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं देते, वो हमारा हमने देख कर मुस्कुराव भी है, हमारे साथ बतड़ाव भी है और हमारे दुख सुख ने भी बांटे हैं। ये सारी बात अध्यात्म ने सिखाई, रजनी मैडम ने उन्हें खूब करीब अनुभव करा और उनके अंदर इतनी सकारात्मकता है कि भी वो जो चीज सोचे है वो पूरी हो जाए। और देखो ये भौतिक जगत है, इसमें सारी चीज तो मनचाही मिलती नहीं है, कितने न कितने आदमी ने समझौता करना पड़ा है, कुछ ना कुछ बात पे हमने एडजस्टमेंट करनी पड़ा है भी, क्योंकि सारी चीज तो किसी ने भी ना भी हम खुद तो सुखी रहे, दूसरे ने भी सुख दे सके। इन सारी बातों पे आज रजनी मैडम प्रकाश डालेंगी भी, एडजस्टमेंट करनी है लेकिन क्यों कर करनी है, समझौता करना है, किस तरह करना है। हमारे जीवन में चार प्रकार के समझौते बताए गए हैं, वो विस्तार से रजनी मैडम बताएंगे। और अब आपके सामने मैडम रजनी जी, आपका मुख्य स्क्रीन पर स्वागत है, जल्दी तो आओ और हमने भी समझौता करना सिखाओ। रजनी मैम, देखो आवाज आ रही है, सरिता मैम चेक कर लो। हेलो, हाँ जी मैम, आपका बहुत बहुत आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है मैम, बोलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू मैम, संगीता मैम, जो पीएमसी हरियाणवी से इस टाइम जितने भी सदस्य हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। आज इस मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला है, बहुत अच्छा, पता नहीं मैं क्या बोलूंगी मुझे, लेकिन जो टॉपिक मिला है वो बहुत बढ़िया है। मैं मेडिटेशन में कैसे आई, बस मेरे ख्याल 2017 जनवरी फरवरी की बात है, मेडिटेशन मैडम का पांडू पिंडारा में मैडम की क्लासेस चल रही थी, एक दिन हस्बैंड मुझे साथ ले गए और फिर वो मेडिटेशन क्लास खत्म हुई, बाहर आने के बाद मैं मैडम से मिली, मैडम ने बोला तो बोले अपने इस स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान दो, मुझे वो भारी भरकम शब्द समझ में आ गया, आधा आया आधा नहीं आया, मुझे नहीं पता था सूक्ष्म क्या होता है स्थूल क्या होता है। फिर मैंने धीरे धीरे, मतलब राम राजू सर और रागिनी मैडम वो लोग भी आए, फिर उनकी जब मैंने 4 दिन का एक सेशन था वहाँ पे, क्लासेस थी, उन्होंने स्टार्टिंग से बताया मेडिटेशन क्या है, कैसे करते हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो मैंने कंटिन्यूसली अटेंड किए, मतलब उनमें से एक भी मैंने मिस नहीं किया। और उसको अटेंड करने के बाद मतलब मुझे लगने लगा कि कुछ बातें तो हैं जो मैं पहले से फॉलो कर रही हूँ, और लेकिन वो यूं नहीं पता था कि वो वाकई मेडिटेशन की तरफ जाती हैं, वो मेडिटेशन ध्यान या हमारा आध्यात्मिक कह लो हमसे, हमें इस चीजों से जोड़ता है। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस तो नहीं, लेकिन हाँ जो हुए वो बताती हूँ। एक बार दो बार तो मुझे कलर्स दिखाई दिए थे, जनरली मुझे ब्लू कलर दिखाई देता था, पेड़ पौधे दिखते थे, और एक बार 3 घंटे का सेशन था हमारा निर्जन गाँव में, मैडम मेडिटेशन करवा रहे थे, रामराजू सर भी थे, तो सब लोग दूर दूर बैठे हुए थे, किसी ने किसी को टच नहीं करना था, जो रिलेशन में थे आपस में, वही हस्बैंड वाइफ हैं या ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो सब एक दूसरे से काफी दूर थे, डिस्टेंस पे थे। तो मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि किसी ने टच किया है मुझे, मतलब ये मेरा जो था एक्सपीरियंस था उस टाइम। उसके बाद तो मुझे और कोई एक्सपीरियंसेस एज सच नहीं आए मेडिटेशन में, लेकिन हाँ उनके इफेक्ट जरूर हैं। मेडिटेशन के इफेक्ट ये हैं कि अब कोई कुछ कहता है तो यूँ लगता है कि ये अपने हिसाब से बोल रहा है, इस चीज को सोच है वो उसी लेवल तक सोच रहा है, मैं इस लेवल पे नहीं, दूसरे की बात को अपने ऊपर नहीं लेती,
ठीक है, मैंने जो अंदर सोच रखा है कि मेरा तो ये होना है, तो मेरा वो होएगा, मुझे नहीं पता कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, लेकिन अगर मैंने सोच लिया कि मेरा इस तरह से होगा तो हो जाएगा, वो हो जाता है, चाहे कोई कोई साथ दे या ना दे, मतलब एक इनविजिबल पावर है जो मेरे को मेरे मतलब लक्ष्य तक पहुंचा देती है। कई बार मुझसे कोई पूछ, मैं कह देती हूँ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, कह देते कैसे कह रहे हो आप, मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपने अंदर से कह रही हूँ कि कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यही होगा देख लेना तुम, तो अल्टीमेटली वो हो भी जाता है। आप कह रहे हो ना फिजिक्स की टीचर हूँ, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, रेडिएशन सब पता है, लेकिन यूं नहीं पता था कि वो रेडिएशन जो हम बोलते हैं ना, वही रेडिएशन हमारे लिए एज आउटपुट आती है। वो मुझे मेडिटेशन में आने के बाद पता लगा कि ब्रह्मांड तुम्हारी ही एनर्जी तुम्हारे पास वापस भेजता है, तो जो हम बोलेंगे वही हमारे पास आएगा। पॉजिटिव सोच के बोलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव सोच के बोलेंगे तो नेगेटिव आएगा, और वो चीजें धीरे धीरे प्रूव होती जा रही। बचपन में कहीं देखती थी लोगों को, मैं NSS ज्वाइन किया हुआ था, NSS में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा करते थे, प्लांटेशन भी होती थी, किसी गांव में जाके हम सफाई वगैरह भी करते थे। तो प्लांटेशन और सफाई तो ठीक थी, ब्लड कभी नहीं डोनेट किया था। उस टाइम लगता था क्या मैं भी करूंगी कभी, पेड़ पौधे कभी ऐसा होगा कि मैं भी लगाऊंगी, भाई एक जगह लेके, बहुत बड़ी जगह लेके पौधे लगा दो इतने सारे, सोचा नहीं था। वो जब 2017 की बात है, मैडम और मेरे हस्बैंड और हमारी टीम जो बनी, उन्होंने इतनी प्लांटेशन करी, मुझे फिर याद आया कि मैंने कभी बचपन में सोची थी ये बात, कॉलेज में पढ़ा करती थी तो मैं सोचती थी, मैं क्या क्यों नहीं लगाते लोग, क्यों नहीं लगाते, अब पता लगा कि वो शायद वो मैंने करना था, वो मैंने पहले सोचा हुआ था, ब्रह्मांड ने वो मुझसे करवा दिया, यूनिवर्स ने वो करवा दिया, मेरे वो पूरा हो गया। तो मैडम की वजह से लगा लो, सुभाष पत्री जी से जुड़े हम, उनसे भी मिले, और वो सिलसिला मतलब चलता रहा। अब यूं है, ध्यान तो कम ही करती हूँ, लेकिन उस टाइम के जो एक्सपीरियंसेस हैं, पॉजिटिव सोचना, हर बार हर चीज में पॉजिटिव ही सोचना, वो मेरे अंदर और ज्यादा बढ़ गया है। मेरे घर पे, मेरे परिवार में अगर कोई कुछ कहता भी है या मैं सोचती भी हूँ, तो थोड़ी देर बाद मुझे याद आ जाता है कि ये छोड़ना है, ये कोई अपने पास नहीं रखना, छोड़ देती हूँ उसे। थोड़ा पॉजिटिविटी जो है घर पे वो बढ़ी मेरी, हमारे घर में भी बढ़ी, हमने बहुत सारे काम किए, अभी भी है, अब करते हैं, कोशिश रहती है कि बढ़िया से बढ़िया करते रहे। थैंक्स मैडम। अब मैं अपना टॉपिक शुरू करूंगी। मेरा टॉपिक जो मैडम मुझे आपने दिया है वो है 4 एग्रीमेंट, 4 समझौते। ये ऐसा टॉपिक है हमारी डेली रूटीन में जुड़ा हुआ, रूटीन की बातें हैं सारी, सिर्फ और सिर्फ यूं है, वो 4 बातें जो 4 हैं वो आज बस रिपीट करनी है, एक लाइन पे दोबारा याद करवानी है। और एक और बात बताऊं, जब ये मेडिटेशन मैडम ये जो चल रहा है ना हमारा, ये शाम को सेशन है, इसमें मेरा वीडियो क्यों ऑफ रहता है, क्योंकि मैं इस टाइम किचन के काम कर रही होती हूँ। शायद आप कई बार कह भी देते हो कभी अपनी विंडो भी खोल लिया करो, मैं घर में काम भी कर रही होती हूँ लेकिन मेरा ब्लूटूथ से मेरे कानों में सब कुछ चल रहा होता है। तो उसमें सुनने के बाद ना रोज एक बात याद आ जाती है, भाई गप्पे नहीं करनी फालतू की, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, तो वो जो याद आ जाती है ना वो कुछ दिनों तक फिर याद रहती है, वो रिपीट होती जा रही है, और वो सबसे बढ़िया है, पूरी जिंदगी चलता रहे मैं कहती हूँ, ताकि ये बातें हमें याद रहती रहे टाइम टाइम, हम अपने रास्ते से हटते भी हैं तो भी दोबारा उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, लोगों को फिर बताना शुरू कर देते हैं। मैंने अपने स्कूल में भी मेडिटेशन हम लोग करते हैं, कुछ स्टाफ मेंबर्स करते हैं, और कहीं तो कह देते हैं कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो, मैं कहती हूँ बस ये पता नहीं कब से मेरे में आई है, लेकिन ज्यादा जो पॉजिटिविटी है वो मैडम आपसे मिलने के बाद आई। चलो अब मैं टॉपिक पे चलती हूँ। जो मेरी टॉपिक है मेरा वो है 4 एग्रीमेंट।
फोर एग्रीमेंट्स हमारी लाइफ के हैं जो हमने अपनी जिंदगी से अपने आप से करने, अपनी हमने सुना है नरक और स्वर्ग दो चीजें हैं भाई, लोग कहते हैं ना पूजा करोगे नरक स्वर्ग मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा नहीं तो नरक में जाओगे, ये काम मत करो। वो नरक और स्वर्ग जो इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया वो और कुछ नहीं है, वो हमारे इसी धरती पे है, इस धरती पे नरक और स्वर्ग है। वो कैसे बनते हैं वो इन चार समझौतों से पता लगता है। देखो कभी हम अपने बच्चों से, कभी अपने माँ बाप से, कभी अपने क्लीग जो है हमारे रिलेटिव हैं, क्लीग हैं, कुछ भी लगा लो, सभी लोगों से कितने समझौते करते हैं, कितने प्रॉमिस कर लेते हैं, अपने आप से कर लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो समझौता है वो हमारा अपने आप से है। अपने आप से क्या समझौता है हमारा, हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, हमने करना क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा पर्सनैलिटी क्या है, मतलब यही हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपने समझौते बनाते रहते हैं, अपने बारे में खुद ही बनाते हैं। लेकिन वो समझौते होने कैसे चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, वो इन चार एग्रीमेंट से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। जो बातें इस बुक में पढ़ी वो हम सबके साथ डेली रूटीन में कहीं ना कहीं जरूर घटित हुई हुई है, जरूर से जरूर। क्या है फोर एग्रीमेंट्स में भाई, सबसे पहला जो एग्रीमेंट है हमारा वो ये है, सीख बोलो, फर्स्ट बोलो सीख बोलो। सीख मतलब जो टू द पॉइंट बात है वही कहो, उससे ना एक शब्द इधर ना एक शब्द उधर, क्योंकि जो हमारी कही हुई बातें हैं वो किसी के दिमाग पे क्या इफेक्ट डाल जाती है ये हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कर क्या दिया, क्योंकि जो हमारे वर्ड्स है ना, वर्ड्स एक्चुअल में वो दो तरह से यूज होते हैं। कहने को चाहूँ मैं तो यूं कह सकती हूँ इस बुक के हिसाब से, वो कहते हैं कि दो, एक तलवार है जिसके दो धार हैं, दो धार है, तार तलवार तो एक धार की होती है, लेकिन ये कहता है कि हमारे शब्द जो हैं वो दो धारी तलवार की तरह काम करते हैं। एक तो अगर हम उन शब्दों को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, और एक वो दूसरी धार क्या कहती है, उन्हीं शब्दों को आप गलत तरीके से यूज करोगे, दुरुपयोग करोगे अगर उन शब्दों का। तो मैंने थोड़ा सा लिखा भी है क्योंकि फ्लो में फिर याद भी नहीं रहता, तो मैंने लिख लिया था कि मैंने अच्छे से क्या बोलना है। तो अगर आप शब्दों को अच्छा यूज करते हो तो हम इसी जमीन पे, इसी पृथ्वी पे, अपने इसी जीवन में अपने को एक स्वर्ग में रहते हुए महसूस करेंगे, और अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं या कोई और करता है, कोई भी करता है, चाहे कोई भी करे, तो वो अपने इस जीवन को, अपने इस धरती को ही नर्क बना लेगा। कैसे बना लेता है ये बोलने वाले को पता है। एक्चुअल में क्या है, हमने स्वर्ग और नर्क की कल्पना कर रखी है। कैसे करी है, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, बचपन में बैठ के हम लोग कहानियां सुनते थे या वो किताबों के बारे में बात करते थे, वो उसके मीनिंग को किसी और तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करते, जिससे हमें लगता था कि पृथ्वी पे, जमीन पे, धरती पे स्वर्ग नर्क नहीं है, वो तो मरने के बाद ही मिलेगा, वो यही हम यही सोचते थे। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद पता लगा कि स्वर्ग और नर्क दोनों ही चीजें यहाँ हैं, दोनों ही यहाँ पर हैं। अब एक उदाहरण लेती हूँ मैं सिंपल सा, और ये जो ऐसा एग्जाम्पल है जो हो सकता है आपने भी कभी फेस किया हो, मैंने भी कभी फेस किया था। मैं बड़ा एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ, एक मान लो अपने जैसी कोई लेडी है, जॉब भी करती है और जॉब करके शाम को घर आती है, ऑफिस की टेंशन लगा लो और कई तरह की टेंशन है, तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके क्या, उसके सिर में बहुत दर्द है। वैसे लेडी बहुत ज्यादा पेशेंट है, सहनशील है,
सारी बातें समझती है, सारे काम करती है, बहुत अच्छे से घर को भी देख रही है, ऑफिस भी देख रही है, सब काम है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो आती है, उसके सिर में दर्द है, घर आती है, बैठती है, अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, वो देखते कि उसकी छोटी बेटी जो है वो गाना गा रही है और मजे से गाना गा रही है, डांस कर रही है। वो अपनी मदर के पास भी आती है और उनको सुनाने की कोशिश करती है, गाना सुनाती है, डांस करती है। लेकिन क्या है, वो जो लेडी है ऑफिस से आई है थक के, वो इतने मेंटल प्रेशर में है, सिर दर्द भी है, वो चाहती है कि थोड़ी देर मुझको शांति मिले। उसकी शांति का मतलब है कि कोई उससे कोई बात ना करे, आराम से रहे, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पीस शांत हो जाए। लेकिन वो जो उसकी बेटी है, वो तो लगातार, वो तो बच्चा है, उसे वो अपने जो सारे दिन की फीलिंग्स है वो तो मदर के आते ही निकालती है। डांस करके भी दिखाएगी, वो गाना गा रही है जोर जोर से कि मदर कुछ देर तो अपने आप को सोचती है कि इसको मैं सुन लूं। लेकिन क्या होता है, अल्टीमेटली अपनी पेशेंस लूज करती है और वो उसको गुस्से से जोर से कहती है भी तू बहुत गंदा गाना करती है और जा यहाँ से, इतनी बेसुरी आवाज है, तू जा यहाँ से। वो लड़की चुपचाप चली जाती है। क्या होता है फिर, वो जाके वो लड़की, मदर को नहीं पता कि उसकी बेटी के मन में क्या हो विचार हैं, और ना ही मदर को ये पता कि उसने कर क्या दिया है। उसके जो वर्ड थे में, वो वर्ड ब्लैक मैजिक का, उसकी लड़की ने क्या किया कि इसका मतलब मैं गाना नहीं अच्छा गाती। तो उससे कभी आगे स्कूल में घर पे किसी ने कहा भी गाना गाओ डांस करो, तो उसने मना कर दिया। उसने यहाँ तक कि अपना जो बोलना था ना किसी के साथ, अपनी फीलिंग्स जो शेयर करते, उसको भी कम कर दिया भाई। उसे लगा कि अपनी भावनाओं को जितना दबा दो, जितना तुम दबा दोगे उतना लोग तुमसे प्यार करेंगे। फीलिंग्स को उसने बंद दबा दिया। उसे लगने लगा कि भाई मेरी तो जो गाना है मेरा, वो तो मैं अच्छा गा ही नहीं सकती। जब मैं गाना नहीं गा सकती तो मैं हो सकती मुझे बोलना भी कम कर देना चाहिए। तो उसने बोलना भी कम कर दिया। तो क्या हुआ, उसने बोलना कम कर दिया, उसने अब अपने अंदर, लड़की ने एक अपना समझौता कर लिया अपने आप से। क्या समझौता कर लिया, कि कम बोलना चाहिए, अपनी भावनाओं को दबा के रखना चाहिए, और अगर तू ये करेगी तो सब लोग तुझसे प्यार करेंगे और सबकी बातों को तू हाँ हाँ करती रहेगी ना, भाई हाँ ये आपने कहा तो ठीक है मैं ऐसे ही कर देती हूँ। तो चाहे उसके अंदर क्या है, वो क्या करना चाहती है, उसको भूल जाए तो सब लोग उससे प्यार करेंगे। उसकी बेटी ने यही सोचा। लेकिन मदर को इसमें मदर की गलती नहीं है कि उसने अपनी बेटी को उस जहर, मतलब एक तरह से ब्लैक मैजिक करके, शब्दों का ब्लैक मैजिक ही कहेंगे और क्या कहेंगे, उसको ऐसे नरक में डाल दिया जिससे वो पूरी जिंदगी अपने साथ लेके चली गई। और उसका कारण क्या है, उसकी मदर ने भी तो अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से बचपन में उसने शब्दों के वही प्रयोग सीखे हैं जो उसने आज अपनी बेटी पे कर दी। अब उस बेटी ने भी वही सीख लिया है, वो आगे जाके अपने औरों के साथ भी वही करेगी। तो जो शब्द है, यहाँ कहने का मतलब ये कि ये जो शब्द है ना, ये एक ऐसा काम कर जाते हैं जाने अनजाने कि एक इंसान, मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर अपनी भावनाओं को, अपने गुणों को छोड़ देता है, अपनी क्वालिटीज को भूल जाता है, दूसरों को खुश करने में, दूसरों से प्यार पाने में, दूसरों को संतुष्ट करने में। एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें तो अपने आप को पहले खुश करना, अपने आप को खुश करेंगे, अपने आप को संतुष्ट करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि हम स्वर्ग में है या नर्ग में है, तभी तो हम सब कुछ बांट पाएंगे, खुशी बांट पाएंगे, प्यार बांट पाएंगे, सब कुछ तभी तो देंगे जब हम अपने आप से अच्छे समझौते, हम अपने लिए अच्छे शब्द प्रयोग करेंगे तभी हम औरों के लिए शब्द प्रयोग करेंगे। तो जाने अनजाने हमें कभी भी, इसीलिए तो पहले समझौते में ये कहा है कि हमने ऐसे वर्ड यूज ही नहीं करने, शब्दों को इस तरह से यूज ही नहीं करना कि वो किसी पे जाके काला जादू का काम करे, उसे नर्क में धकेले।
और ये दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी है। खुद के लिए कैसे भाई? खुद के लिए तो इस तरह से, अगर हम ही नहीं खुश होंगे तो हम खुशी देंगे कैसे? हम अपने आप से नहीं प्यार करेंगे तो औरों से कैसे करेंगे? खुद से नहीं संतुष्ट है तो औरों से कैसे संतुष्ट हो सकते? तो सबसे पहले हमें ये सारी चीजें जो शब्द हैं वो अपने लिए भी ऐसे ही उपयोग करने हैं, क्योंकि हम लोग अपने मन में क्या सोचते हैं, कई बार कहते हैं अरे मैं तो मोटा लग रहा हूँ, मैं इसमें नहीं सुंदर लगता, मेरे को ये काम आता ही नहीं है, मैंने ये करना ही नहीं है, मैं तो हमेशा ये करता हूँ तो यही करूंगा। ये नहीं, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। जब हम छोड़ना शुरू करेंगे तभी हम दूसरों को कह पाएंगे कि तुम भी ऐसे। कहना नहीं है, थोपना नहीं है, सिर्फ बताना है एक बार। अब जब हम खुद एग्जाम्पल बनेंगे तभी दूसरे को समझ पाएंगे। तो वर्ड्स जो हैं हमारे, एक बार के कहे हुए वर्ड जो जिसको हमने कह दिए, उसके साथ तो ये सालों साल पूरी जिंदगी चलेंगे। मैडम ने एक बार अपने सेशन में बताया भी था, शायद वो अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कैसे वर्ड यूज किए, तो वहां से फिर मेरे माइंड पे भी वो बात स्ट्राइक कर गई थी कि मैं भी कई बार ऐसे गुस्से में बोलती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो मुझे जब भी वो याद आ जाता है तो कई दिन तक तो इफेक्ट रहता है, लेकिन फिर भूल जाती हूँ। तो कोशिश मेरी यही, मेरी भी यही रहती है कि मैं ना बोलूँ, क्योंकि जो एग्जांपल मैंने दिया ये तो एक है। अगर आप सब अपने पीछे बचपन से अपने आप को सोचो तो हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जिनके साथ ऐसी ना ऐसी कोई ना कोई घटना जरूर जुड़ी हुई होगी। क्योंकि बचपन में हमें लोग नहीं कह देते, या मम्मी पापा ही कह देते नहीं ये थोड़ा काला है, इस पे ये कलर नहीं चलेगा, ये थोड़ा गोरा है, ये वाला कलर डालेगा तो ये ज्यादा सुंदर लगेगा। और उसका इफेक्ट क्या होता है, जिसको कहा है ना इसके ये वाला रंग नहीं जचेगा, वो पूरी जिंदगी डालने की कोशिश नहीं करता, वो पूरी जिंदगी कोशिश नहीं करता जब तक कि वो अपने आप को अंदर से समझा नहीं लेगा कि नहीं मैं तो हर एक में अच्छा लगता हूँ। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं, आप मेरे ख्याल से कईयों को तो याद भी आ गए होंगे कोई उदाहरण की तरह। पहला समझौता जो है इस बुक के हिसाब से, और इस बुक के क्या हिसाब से अपनी जिंदगी में ही दे लो, पहला समझौता है जो भी बोलो ऐसा बोलो जिससे ना तो वो ज्यादा हो ना वो कम हो, और जिससे किसी के ऊपर किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट ना हो, किसी और पे भी और खुद पे भी। तो पहला समझौता तो जिंदगी का यही है, सटीक बोलो, जो बोलो सटीक बोलो। और ये पहला समझौता ही ऐसा समझौता है जो आगे के तीन समझौतों को की मतलब नीम है, बेस है, फाउंडेशन है। अगर आपने ये सीख लिया टू द पॉइंट बोलना, टू द पॉइंट बात करना, तो यूं मान लो कि आपने अपनी जिंदगी के 90 जो चार समझौते हैं ना उसमें से 75% तो आपने अचीव कर लिया। बाकी 25% तो बहुत इजी हो जाएगा कि आपने बीच तीन समझौते और करने हैं, वो हो जाएंगे आराम से। और ये समझौते ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम याद आते रहे, कोई याद दिलवाता रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने आप तो हम जो ये दुनियादारी है ना उसमें फंस के भूल जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका इसको याद रखने का क्या है, एक पेज पे बस हेडिंग लिखो, समझौते चार कौन से हैं, चिपका दो ऐसी जगह जहाँ आते जाते नजर पड़े, उसको एक बार बस वो लाइन देखते याद आ जाएगा भी ये काम है हमारा, तो दूसरे काम नहीं करने हमने, वो याद आ जाएंगे। तभी मैं कह रही हूँ कि मैडम ये जो सेशन हमारा पीएमसी हरियाणवी पे चलता है ना, इससे ना हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई एक पॉइंट हमारा रिकॉल हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, फिर याद हो जाता है ओहो हम गलत रास्ते पे चल चुके हैं, हटो दोबारा आ जाओ वापिस अपने रास्ते। तो ये वो हरियाणवी वाला चैनल जो हमारा ना, उसी तरीके से अपने पेज पे लिखो और कहीं चिपका लो घर पे, अपने ऑफिस में भी चिपका दो, अपनी अलमारी जो होती है ना ऑफिस में एक अलमारी मिली होती है के दरवाजे पे चिपका दो, वो हम नहीं और भी पढ़ेंगे, औरों के ऊपर भी थोड़ा 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 फर्क पड़ने लग जाएगा।
जो पहला समझौता है उसमें सिर्फ यही नहीं कि हमने जो वर्ड्स यूज करने हैं वो कैसे यूज करने, इसके अलावा जो हम लोग गप्पे कर मारते हैं बैठ के ना एक दूसरे के साथ, किसी की भी ले ली और किसी के बारे में बोलना शुरू कर दिया, वो भी मतलब इसी का एक एग्जांपल है। गप्पे भी नहीं मारनी, अगर किसी के बारे में बात करनी है तो उसके गुणों की बात करो, क्वालिटीज की बात करो। नेगेटिव तो हम बहुत जल्दी देख लेते हैं किसी का, जो पॉजिटिव बात है वो बहुत बाद में दिखाई देती है, और बातें जो गपबाजी होती है वो ज्यादातर क्रिटिसिज्म जो होता है, क्रिटिसाइज जो हम करते हैं वो नेगेटिव को नेगेटिव करते हैं, कभी पॉजिटिव को नहीं। बहुत रेयर कोई पर्सन होगा जो किसी की किसी के गुणों का व्याख्यान करेगा, एक्सप्लेन करेगा, भी उसमें वो क्वालिटी है, वो हमें भी होनी चाहिए। तो जब भी आप कभी बात बैठो ग्रुप में तो कोशिश करो जब बातें हो रही हैं उसको नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी की तरफ ले जाओ। एक दिन होगा, दो दिन होगा, जो आपका ग्रुप होगा ना उसे पता लगने लग जाएगा भी ये तो सिर्फ ऐसी ही बातें करती है, ऐसी ही करेगी और किसी के बारे में गलत कहने भी नहीं दूंगी। तो धीरे धीरे अपने आप ही जो आपका पहला समझौता है ना वो आपके साथ साथ दूसरों के साथ भी टूट जाएगा। तो खुद भी मतलब चाहे वो आधे घंटे के लिए तुम्हारे साथ है तो वो आधे घंटे भी क्या करेंगे, सटीक बोलने की कोशिश करेंगे, टू द पॉइंट बोलने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बात करेंगे जो जरूरत है, जो रिक्वायर्ड है उतनी ही बात करेंगे। तो पहला समझौता मैं यही खत्म करूँ जिसमें हमने यही बताया गया हमने कि भाई जो बोलो सटीक बोलो, तुम्हारे बोलने से जो शब्द हैं के शब्द हैं वो दो तरह से यूज हो जाते हैं, सदुपयोग करना है दुरुपयोग करना है, स्वर्ग में जाना है नर्क में जाना, ये तुम पे है। तुमने इसी जीवन को अपने यहीं पर बैठ के क्या बनाना है, स्वर्ग में बनाना स्वर्ग बनाना चाहते हो नर्क बनाना चाहते हो, ये तुम्हारे पे है। यही पहला समझौता यही है। अब आगे जो तीन समझौते हैं वो ये फाउंडेशन हो गई, अगर आपने इसके ऊपर अमल कर लिया तो अगले तीन तो समझो कुछ भी नहीं है। तो अगला समझौता जो है हमारा वो है कि किसी भी बात को कोई भी बात करे आपने उसे अपने ऊपर नहीं लेना, पर्सनल नहीं करना किसी भी बात को, पर्सनल करोगे तो उस दिन दुख पाओगे, पर्सनल करोगे तो दुखी हो गए ही होगी। जैसे मान लो तुम्हें किसी ने कह दिया कि भाई तू तो बहुत मोटा है, अब उसने तो क्या किया अपने वर्ड्स का जो जादू था ना मैजिक था वो छोड़ दिया, अब तुम पे है, उसने जो जहर फैलाना था फैला दिया। अब अगर तुमने वो वर्ड्स अपने ऊपर ले लिए तो समझो कि उसको तो शिकार मिल गया एक, उसके लिए तो आसान हो गया, उसका जो काम था वो उसने पूरा कर दिया, उसका तो काम था तुम्हारे अंदर एक लड़ाई करवाना, तुम्हारे मन में एक लड़ाई की शुरुआत करना। तो हमें उसे अपने ऊपर ना लेके ये सोचना है कि इस आदमी ने जो मुझे कहा है ना कि तू मोटा है या पतला है जो भी कहते हैं, ये तो उसने अपने जो उसके बचपन से थॉट कर रहा है, जो लोगों से उसके अपने मतलब यू कहो कि बिलीव है, विश्वास करता है जिन बातों पे, वो तो अपने हिसाब से बोल रहा है, ना तो मेरे वो विश्वास है, ना मेरे वो इमोशंस हैं, ना मेरे वो फीलिंग्स हैं, और ना ही मैंने उसके अकॉर्डिंग सोचना। अगर उसने कह दिया मैं मोटा हूं तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको वहीं पे। तो अगर कोई पर्सन आपको चाहे वो नेगेटिव ही कह रहा है, अगर वो पॉजिटिव कह के यू भी कह रहे ना कि तू बहुत अच्छा है, तो उसको भी तुमने अपने ऊपर नहीं लेना। अगर मान लो उसने कह दिया कि तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो, तो भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक डिफरेंट हो, तुम एक अलग सोल हो, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, और वो आत्मा हो जिसके ऊपर इस तरह के शब्दों का जहर का कोई असर नहीं। तो तुमने उसकी बात सुन ली, सुन के उसको अपने कानों से दिमाग और दिमाग से दिल के रास्ते पे जाने नहीं देना, उसको वहीं छोड़ दो, वही बाहर से बाहर नीचे कानों से नीचे गिरा दो,
अंदर तक जाने ही मत दो, क्योंकि जिस दिन वो शब्द किसी के, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, हमारे अंदर चले गए, हमारे मन में लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, दिमाग में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्या लड़ाई? लड़ाई तो ये हो जाएगी कि उसने कह क्यों दिया, अगर उसने कहा है तो उसने गलत कहा है, फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे दिमाग में कई तरह की बातें चलती हैं, मन में हमारे एक बात नहीं कई बातें चलती हैं, कई विचार होते हैं, एक मन तो कहता है कि ये ठीक है, दूसरा कहता है नहीं ये गलत है, और हमेशा होता भी यही है, जनरल ह्यूमन बीइंग के साथ यही होता है कि वो अपने आप को सच प्रूव करने के लिए कि मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए भी मैं सही हूँ, उसने जो राय दी है वो गलत है, हम क्या करेंगे? एक राय बनाएंगे, एक थॉट बनाएंगे, प्रोसेस, थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगी हमारे दिमाग में, हम एक वो बना के और जाके उसको साबित करने की कोशिश करें, और उस साबित करने के चक्कर में क्या होगा, क्या यही होगा ना कि हम उसको पता नहीं कितने उदाहरण देंगे, उसको हो सकता है हम वही जो हमारा पहला समझौता था उसके उल्टा चल पड़े। क्या समझौता था? कि हमने सीख बोलना है, हम अपने शब्दों को गलत उपयोग कर देंगे। तो पहला समझौता तभी प्रूव पूरा होगा जब आप किसी भी बात को अपने ऊपर नहीं लोगे। तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने आप को प्रूव करने के लिए ना, राइट प्रूव करने के लिए बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं कि नहीं तू गलत मैं ठीक, तू गलत है, तूने ऐसे कर दिया, तूने ऐसे कर दिया, तूने ऐसे कर दिया। तो इस चीज के चक्कर में हम लोग बहुत गलत शब्द भी यूज करते हैं। तो ना तो हमने गलत शब्द प्रयोग में लाने, ना हमने किसी के बारे में राय बनानी। तो इसलिए बेटर है जब आपको कोई कुछ कहता है, चाहे वो आपके लिए पॉजिटिव बोले चाहे वो नेगेटिव, अपने ऊपर मत लेना। उसने कह दिया ना, जो मैं कह रही हूँ ना, उसको कानों से नीचे छोड़ दो, जमीन पे गिरा दो वापस, बस गिरा ही देना, उसको अंदर तक मत आने देना। जिस दिन वो अंदर जाएंगे तो हम जरूर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगने शुरू हो जाएंगे, और फिर हमारे जो अपने आप से एग्रीमेंट है ना, वो नहीं पूरा होगा। और जो हम चाहते हैं ना कि हम लोग इसी जन्म में स्वर्ग को पाले, वो भी नहीं पूरा होगा। तो दूसरा समझौता जो है वो ये है कि अगर खुश रहना है, आनंद की स्थिति में रहना है, तो हमेशा क्या करो, कोई तुम्हें कुछ कहता है सुनो, और सुन के उसको उसके पास ही छोड़ दो, वहीं छोड़ दो, अंदर तक मत आने, ना दिल तक ना दिमाग, बिल्कुल मत आने दो। तो दूसरा समझौता जो इस चार समझौते में बताया गया है वो ये बताया गया है कि कभी भी किसी भी चीज को पर्सनलाइज मत करो, अपने साथ मत छोड़ो। अब तीसरे समझौते की तरफ चलते हैं। तीसरा समझौता क्या है कि थॉट्स मत बनाओ, धारणाएं मत बनाओ, चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे किसी वस्तु के लिए हो, आदमी के लिए हो, जानवर के लिए हो, पेड़ पौधों के लिए, किसी के लिए भी कोई थॉट मत बनाओ। जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि मतलब हम लोग मान रहे हैं, कई बातें मान लेते हैं, जैसे कि मैं, हम यही मान लो, मैंने ये कह दिया कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरी थॉट बनी हुई है मेरे बारे में। जैसे हम कहते ना कि सुबह उठ के भी मैं तो सबसे पहले यही काम करूंगा, अगर मैंने कुछ और कर लिया तो मेरा तो दिन ही नहीं सही निकलेगा, वो गलत है। अपने बारे में हो या किसी और के बारे में, कोई भी थॉट नहीं बनाना, पहले ही धारणा नहीं बनानी। जैसे क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल है, कई बार क्या होता है, हम किसी आदमी से मिले नहीं, लेकिन हमारे घर में अपने ही क्लीग, मतलब अपने ही, चाहे हस्बैंड लगा लो चाहे वाइफ किसी एक आदमी के बारे में क्या हुआ, इसने वो, उसने वो कहा, उसने वो कर दिया, उसने ये कहा, उसकी ये एक्टिविटी थी और मैंने ये कर दिया,
तुम उससे मिले नहीं, देखा नहीं, सिर्फ एक नाम पता है और उसकी रूटीन में आपके रिलेशन में जो भी है बेटा या बेटी उसके साथ इस तरह की कन्वर्सेशन होती है, इस तरह की एक्टिविटीज वो करते हैं। हम क्या करते हैं? हम उसके बारे में अपने मन में अपने आप उसकी जो बातें हम रोज सुनते हैं ना उसके बारे में एक्स वाई जेड कोई भी है, हम उसके बारे में एक वो बनाने लग जाते हैं कि ये तो इसका मतलब ये आदमी जो है ना ऐसा होगा, ये मुझसे प्यार करेगा या नहीं, ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ठीक है या गलत है, ये विश्वास करने लायक है या नहीं। यहाँ तक हम ये भी सोच जाएंगे कि ये विश्वास करने लायक है या नहीं है, और ये भी सोचेंगे कि क्या ये मेरी प्रोग्रेस से जलता तो नहीं होगा, अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे को सही करवाएगा या मेरे को गलत करवाएगा। मतलब हम उसके बारे में सारी बातें अपने मन के अंदर इकट्ठी कर लेते हैं, और फिर एक दिन ऐसा भी आता है हम मिलते हैं उससे। अब हम जब उससे मिलते तो मिलने पे क्या होता है, जब वो हमारे सामने आता है, आएगा सामने, तो हम उसको उसी दिमाग से उसी सोच से उन्हीं थॉट्स के साथ देख रहे होते हैं जो हमने उसके बारे में उसकी बातों के सुनने के बाद उसके बारे में अपने अंदर बना रखी थी। अगर हमने उसके बारे में अच्छा सोच रखा था ना कि वो तो बहुत अच्छा इंसान है, तो हम उसको उसी नजरिए से देखना शुरू कर दें। हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो कुछ और हो, वो वैसे तो सारी आत्माएं पवित्र है, सिर्फ फर्क इतना है कि हमने उसके बारे में क्या सोच बना दी और हम वैसी ही थॉट प्रोसेस से हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ देखना ही नहीं, उसके साथ हमारा बिहेवियर भी वही हो जाता है, हम उसके साथ एक्टिविटीज भी उसी तरह की करते हैं जो हमने उसके बारे में सोचा हुआ है। हमने अच्छा सोचा हुआ है तो हम उसके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके साथ बातें करेंगे। और अगर मान लो मैंने उसके बारे में यूं सोच रखा है कि नहीं वो अच्छा इंसान नहीं है, वो तो गलत रास्ते पे ले जाने वाला है, और हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, बहुत पवित्र आत्मा हो, हमारे से भी कई गुना ऊपर हो, लेकिन हम फिर भी उसके साथ उसी तरह से बिहेव करेंगे। मैं कहूंगी मैंने इससे बात नहीं करनी अगर वो मिल गया तो मेरे को, और अगर हम बात करेंगे तो गलत शब्दों का प्रयोग कर देंगे, उसको उसका दिल दुखा देंगे, उसको ये फील करा देंगे भी तू गलत। तो कहने का मतलब ये है किसी के बारे में भी कोई भी थॉट मत बनाओ। आप किसी से मिलते हो, किसी के बारे में सुनते हो, तो मिलो सुनो उसकी अच्छी बातें जो हैं उससे लो अपने पास रखो, और जो बुरा लगे आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है वो बात उसकी छोड़ दो, वहीं छोड़ दो, लेकिन उससे मत परेशान हो, इस बात से मत परेशान हो कि ये इंसान गलत है। अरे वो तो वो आत्मा है, वो उस लेवल की आत्मा है, वो जिस लेवल पे होगी उसी की तरह तो बिहेव करेगी, उसी स्तर पे रहेगी। हम जब जन्म ले ही रहे हैं अपने आत्मा के उद्धार के तो लिए बार 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 जन्म ले रहे हैं हम लोग, तो अब अध्यात्म मेडिटेशन से जुड़ गए, हम तो ये चाहते हैं कि अगला जन्म हो ही ना, मैं तो यही चाहती हूँ कि हो ही ना, बस यही खत्म हो जाए सब कुछ, इसके बाद हो ही ना। तो वो जो आत्मा जिसके बारे में हमने थॉट बना लिया, क्या पता हमें वो किस लेवल पे है। तो इसलिए किसी के बारे में किसी भी तरह का चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव धारणा तो हमने बनानी ही नहीं, धारणा तो बनानी ही नहीं है। अगर मान लो आपको डाउट है तो आप उससे क्वेश्चन करके क्लियर कर लो उसको वहीं पे, आइडिया मत लगाओ। आइडिया लगाने का मतलब है कि तुमने सोच बना रखी है उसके बारे में। आइडिया नहीं लगाना, अपनी कोई भी क्वेरी है क्लियर कर लो, उसी टाइम पूछ लो, जो तुम्हारे मन में कोई सवाल आता है किसी से पूछना है उसी टाइम पूछो, लेकिन अंदाजा मत लगाना कभी भी किसी के बारे में। जरूरी नहीं कि इंसान की ही बात हो, आप किसी और चीज से भी जोड़ सकते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। तो हमें
अपना कोई भी डाउट है उसे कन्वर्सेशन से क्लियर करो, थॉट्स मत सुनो, थॉट प्रोसेस को मत बढ़ाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मिथ्या धारणाएं तो बनानी ही नहीं, गलत धारणाएं तो बनानी ही नहीं, और अनुमान भी नहीं लगाना, थॉट अनुमान भी नहीं लगाने, गलत धारणाएं भी नहीं बनानी। अगर आप धारणा गलत बनाने की बजाय तो बनाओ ही मत, बिल्कुल मत बनाओ, जो है वो क्लियर कर लो, किसी से भी उसे क्लियर कर। और जो लास्ट समझौता है, फोर्थ समझौता है, वो है हमेशा हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ अभिष्ट है। ये भी हमारी स्थिति के अनुसार है, परिस्थिति के अनुसार है। आप सबको अपना द बेस्ट देना चाहिए, चाहे कोई भी काम उसमें आप अपना द बेस्ट। इस समझौते के अनुसार तो ये कहा है कि जो कोई भी वस्तु है, हर चीज है, जो भी जीवित है, जिंदा है, जो वो सारी चेंज हो रही है, चेंजिंग है डेली डेली, क्या एक एक क्षण एक एक सेकंड में वो बदल रही है। हम अपने मूड को लगा लो, अपने मूड को, हम जीवित है, इंसान से ले लो, जीवित है, उसका मूड बदलता है, सिचुएशन बदलती है, एक एक सेकंड एक एक मिनट पे इफेक्ट आता है। अगर हम सोचे कि हम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हमारा वो काम उतना अच्छा नहीं होता जितना हम सोच रहे होते, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ है, द बेस्ट जो हमने देना है किसी का, दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, टाइम रिक्वायरमेंट, एनर्जी लेवल, इन सब पे डिपेंड करता है कि हम अपना बेस्ट जो है वो किस परिस्थिति में दे रहे हैं, किस मूड से दे रहे हैं, किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रहे हैं, कब दे रहे हैं। जैसे आप सुबह सुबह कोई काम करना होता है, मम्मी पापा या हमें बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम भी खुद भी यूज करते हैं, हम महसूस भी करते हैं, क्या जब हम कहते हैं ना भाई सुबह सुबह उठ के करूंगा, उस टाइम में एनर्जी बहुत होती है मेरे पास। तो जो काम हम सुबह द बेस्ट करते हैं, हमारी काम की जो आउटपुट सुबह के टाइम पे होती है, वो आउटपुट शाम के टाइम पे नहीं होती। शाम को डिफरेंट होता है हमारा बेस्ट। तो इसी तरह से हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है, नाराज है, प्यार, हमारा मूड जो है वो प्यार करने में है, खुश है, या हम तनाव से भरे हुए हैं, किसी और प्रॉब्लम को लेके सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो बेस्ट है ना वो अपने आप बदलता रहता है। तो कभी भी यूं मत सोचो मेरा बेस्ट तो यही होगा, आपका बेस्ट चेंजिंग है, चेंजेबल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मूड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना ही होना है उसने। तो हमें अपना द बेस्ट देना चाहिए, द बेस्ट जो भी हमारा है, ना तो उससे कम करने की कोशिश करो, ना उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। अगर अपने बेस्ट से आप कम रखते हो, चलो चलो ज्यादा की बात करते हैं, अगर आप ज्यादा करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, हमारी एनर्जी डाउन होगी, हम थकेंगे, हमारा शरीर मतलब अपनी कैपेसिटी खत्म करेगा, और काम करने लायक नहीं रहेंगे। तो अपने बेस्ट जो है ना, हमारी जो पावर है, हमारी जो शक्तियां हैं, उससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो आप तो शारीरिक रूप से कमजोर होते जाओगे, और शारीरिक रूप से कमजोर होने का मतलब है मानसिक रूप पे तो फर्क पड़ना ही पड़ना है, आपने तो इफेक्ट आने नहीं देना। और शारीरिक रूप से अगर कमजोर हो गए तो मानसिक फर्क आ गया, अपने आप जब बेस्ट है वो अपने आप खत्म तो अपने सर्वश्रेष्ठ से अगर आप कम करते हो तो क्या होता है कि थोड़ा मन चारों फिर करना पड़ेगा मन से एकदम खा देख कर अच्छा दोयला रखते हो कि आपके मन में अंदर, फिर कई बार ऐसा नहीं होता कोई काम कर देते और कहते हैं कि हम काम करने के बाद यूं कहते हैं कि भी ऐसा लग रहा है जैसे बस एक कुछ छोड़ दिया, मैं इससे आजा ज्यादा कर सकता था। अच्छा मतलब आपका मन अंदर से आपको क्या कहूंगी, पश्चाताप क्यों करते रहते,
आपके अंदर से ऐसी आती रहती है कि नहीं गई, मैं तो कुछ और करना चाहता था, उससे हुआ कुछ और है। रजनी मैम, हाँ जी, ये किसका आपका कौन व्यक्ति है जिनका म्यूट म्यूट नहीं है? किसी और का एंड्रॉइड ब्लू, किस व्यक्ति का म्यूट नहीं है प्लीज आप म्यूट करिए, आपकी आवाजें आ रही है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ब्लू कौन है आप प्लीज अपना म्यूट करिए। यस मैडम, हाँ मैडम, मैं द बेस्ट के बारे में, सर्वश्रेष्ठ के बारे में कह रही थी कि अगर आप अपने सर्वश्रेष्ठ, आपका फिर से ओपन हुआ है एंड्रॉइड ब्लू, प्लीज आप बंद करिए अपना। यस मैडम, आप बोलिए। हाँ, सर्वश्रेष्ठ से ज्यादा भी नहीं देना और उससे कम भी नहीं देना। कम क्यों नहीं देना? क्योंकि अंदर से फीलिंग आती रहेगी भी कुछ तो गलत है, मतलब अपना मन ही अपने आप को अंदर से संकोच, मतलब पश्चाताप करता रहेगा। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो यूं कहेगा कि भाई कुछ तो कमी छोड़ी है मैंने, कुंठा कहते हैं हिंदी में, मतलब अब अंदर से फीलिंग आती रहेगी कि भाई कुछ गलत कर दिया मैंने। मैं अपराध फीलिंग जो होती है ना, अपराध वाली, कि गिल्टी फील करेंगे, वो होता रहेगा कि मैं तो इससे अच्छा कर सकता था, मैंने ऐसा कर क्यों दिया। तो उस सिचुएशन को भी अवॉइड करने के लिए, उस सिचुएशन से भी बचने का तरीका यही है कि जो भी आप करो उसे द बेस्ट करो अकॉर्डिंग, उससे कम तो आपको ज्यादा वाली फीलिंग में जो आपके फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट आए, और जो कम करने से आपके अंदर जो इमोशंस हैं उनसे ना लड़ाई करनी पड़े, तो वो नहीं आना चाहिए। तो ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। इसी पे एक उदाहरण है, जैसे एक आदमी है वो अपने दुखी हो लिया बहुत, वो चाहता है कि मैं मेरे दुख खत्म हो जाए किसी तरीके। वो जाता है किसके पास, बौद्ध मंदिर में जाता है, वहां किसी मास्टर से मिलता है, गुरु से मिलता है कि मैं इससे अपने सॉल्यूशन मांगूंगा। उसको कहता है कि अगर मैं मेडिटेशन करने लग जाऊं, ध्यान करने लग जाऊं, 4 घंटे ध्यान करूंगा तो मेरे को यूं बता मेरे ये दुख कब दूर हो जाएंगे। वो मास्टर कहता है शायद 10 साल लग जाएंगे दूर होने में। कहता अच्छा 10 साल लगेंगे, अच्छा। तो फिर कुछ देर सोच के दोबारा कहता है चल ठीक है, ऐसे करते हैं महाराज जी, गुरु जी, मैं ना 8 घंटे मेडिटेशन करूंगा, ध्यान करूंगा, अब बताओ कि मुझे कितना टाइम लगेगा कि मेरे ये सारे दुख दूर हो जाएं और मैं स्वर्ग में चला जाऊं, मोक्ष मिल जाए मुझको। तो वो जो मास्टर थे, तो पवित्र आत्मा है, उन्होंने कह दिया शायद 20 साल लगेंगे। कहता अच्छा, कहता ऐसा कैसे, मैं तो ज्यादा दे रहा हूँ, मतलब 4 घंटे की बजाय अगर मैं 8 घंटे लगाता हूँ तो मुझे 20 साल क्यों लगने चाहिए, तो कम लगना चाहिए टाइम। तो वो जो गुरु हैं वो उसको कहते हैं तुझे क्या चाहिए, तुझे ये चाहिए ना कि तू स्वर्ग में रहे, आनंद की स्थिति में रहे, तेरे दुख दूर हो जाए। तो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है तू 2 घंटे ध्यान करेगा, 2 घंटे ध्यान करेगा तेरा काम 10 की बजाय 4 साल 2 साल में ही पूरा हो जाए, तेरे को स्वर्ग की स्थिति यही मिल जाए, तेरे को आनंद की स्थिति यही मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें क्या करना है, ध्यान करो, लेकिन इतना करो, जो भी करो ध्यान में कोई भी काम करो बस उसके अपने सर्वश्रेष्ठ के अकॉर्डिंग करो। वो कहते हैं कि अगर मान ले तूने 8 घंटे ध्यान कर भी लिया तो क्या होगा, कुछ घंटे तो तू अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेगा, बाकी वाले घंटे क्या होंगे, तो सिर्फ तू क्या करेगा टाइम कंज्यूम करेगा लेकिन उसकी आउटपुट कुछ नहीं आएगी, तू अपने शरीर को थकाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तेरा शरीर थकेगा सिर्फ, और क्या होगा। और अगर तू कम करता है तो हो सकता है तेरे वो 2 घंटे इतना बेस्ट दे दें कि तुझे मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे सारी दुख तेरे अपने आप दूर हो जाए, जिस नरक स्वर्ग
जिसको तू पाना चाहता है ना वो तेरे 2 घंटे में मिल, हो सकता है तू ध्यान करे भी ना तो भी मिल जाए। तो कहने का अर्थ ये है इस उदाहरण से कि जो भी करो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, और ताकि तुम अपने काम से, जो काम है आपका, जिस काम के लिए तुमने ये शरीर धारण किया है तुम्हारी आत्मा ने, उसको पूरा तो करना है हमने, काम तो हम आए हैं तो हमें करने भी हैं। तो उन कामों को अगर आनंद की स्थिति में रह के करोगे, इंजॉय करके करोगे, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग यही, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरे तुम्हारे सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। तो आनंद में अगर रहना है, रहना है आनंद की स्थिति में रहना है, तो जो भी काम करो अपने अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, लेकिन उससे ना तो शारीरिक, ना मानसिक, ना भावनात्मक, ना आध्यात्मिक, मतलब किसी तरह का कोई और इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इतना करो, परेशान होने के कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम कहें जिंदगी जीनी है, तो ये जो 4 समझौते कहे हैं, अब एक बार और रिपीट करके कहूंगी, जो बोलो सटीक बोलो, अपने शब्दों का जो प्रयोग है, जो तलवार है, शब्दों की तलवार है, उसका सदुपयोग करो, किसी की बात का बुरा मत मानो, कोई भी कुछ कहता है उसको अपने ऊपर नहीं लेना, उसके बाद किसी के बारे में कोई थॉट नहीं बनाने, थॉट प्रोसेस अपने मन में नहीं चलने देनी, धारणाएं नहीं बनानी है, और जो काम करो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। इस बुक में ये 4 समझौते बताया, और इस बुक को पढ़ने के बाद तो अभी यूं लगता है कि मैं और सुधर गई, और ज्यादा मुझे पता लग गया कि मैंने करना क्या है, कि अपने शब्द जो है वो कंट्रोल में रखने हैं। तो और शब्दों से ही सब कुछ आगे जुड़ा हुआ है, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, किसी और को अपने ऊपर हावी होने देने की जरूरत नहीं है, उसकी सुन के वहीं छोड़ दो, अच्छी है तो धारण कर लो, अगर बुरी लग रही है तो छोड़ दो, वहीं छोड़ दो उसको, उसके ऊपर दोबारा कुछ नहीं सोचने की जरूरत है। तो अगर आप अपने जीवन को जीना चाहते हो, जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, स्वर्ग बनाना चाहते हो, इसी धरती पे, इसी जीवन में, इसी यहीं पे, अगर स्वर्ग बनाना है, तो ये 4 समझौते अपने आप से कर लो। और कहीं ना कहीं हम लोग तो ऐसे जा रहे जो जुड़े हुए हैं, वो सब इन 4 समझौतों को कहीं ना कहीं प्रयोग में लाते जरूर हैं, लेकिन आज सिर्फ ये हुआ कि मेरे माध्यम से इस बुक के जो 4 हैं वो इकट्ठे होके मैंने बता दिए। बस थैंक यू मैडम, मैं धन्यवाद करूंगी आप सबका, मैडम आपका जो ये इससे जुड़े हुए हैं, सरिता मैडम, कन्हैयालाल, जय भगवान, आप सबका धन्यवाद कि आज मुझे मौका दिया बोलने का, और मेरे को बड़े आराम से सबने बड़े प्यार से सुना। थैंक यू मैडम। रजनी दैया जी, हाँ जी, आप बहुत बढ़िया बोले, जो आपने 4 लाइन रखी, जो भी रखे, ये बहुत अच्छा। सुमित सर प्लीज ये रूबी रानी वाली वीडियो स्टार्ट कीजिए। हेलो मैडम, कौन सा वीडियो मैडम? रूबी रानी 7D मेरे पास कोई, हाँ ये क्या करना रूबी रानी मैडम, वीडियो ऑन नहीं हो रही है इसकी सर। मैडम मैं को-होस्ट बना दीजिए मैडम, अब वो को-होस्ट को उसका कोई संबंध नहीं, मैडम खुद का ऑन करना पड़ेगा वीडियो। ओके मैडम, रूबी मैडम, यस यस सर, अभी ठीक है मैडम? हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैडम। रजनी मैम जी, आप बोल रहे थे बहुत ही, मतलब आपके शब्द इतनी शालीनता से, इतनी स्पष्टता से, इतनी सरलता से, जैसा कि आपने बताया अभी, सटीक बोलना है, कति आप कति लाइन पर थे, कति स्टिक बोल रहे थे, कितने कुछ कोई उलझन नहीं थी। और थैंक यू मैडम, मैं मतलब आपकी जो मेरा बात समझ में आई, मैं थोड़ा सा हरियाणवी में करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा चैनल हरियाणवी है। मैंने तो पहले ही कहा था मुझे हिंदी आती है। बोलो मैडम जी, आपने
जीवन में चार समझौते बताए भी जिनता हम अपना जीवन सरल बना सके हैं और याड़े जिंदगी में स्वर्ग नरक धरती पे बना सके हैं। उनमें तो सबसे पहले बताया आपने भी सटीक बोलो, टू द पॉइंट बोलो। इसका अर्थ यो है कि भी जितनी जरूरत है उतना ही बोलो, क्योंकि हमने नहीं बेरा कि मारे मुंह तलिकड़ी हुई बात अगले खातर के असर कर जा। और दूसरा एक अपनी कहावत भी है भी तलवार का घा तो भर जा पर जुबान का गाना भरया करे। तो ये बात भी हमने तो कह दिया अगले के मन पर क्या बीतती है, उसमें क्या असर होया है, वो तो हमने बेरा ही नहीं है। और दूसरा भी आपने उदाहरण देकर बताया भी बेटा कोमल आ रजनी रूबी मैम आप म्यूट कर दीजिए, आप कर पाएंगी जो भी होस्ट या को होस्ट है मैम वो कर पाएंगे उनको म्यूट। मैं कर पाएगी मैम। जैसे कि आपने पहला सिद्धांत बताया, पहला जो समझौता बताया कि जो भी बोलो सटीक बोलो, और यह बिल्कुल सच्ची बात है। और देखो भी आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि भी एक उदाहरण के द्वारा भी बालक नाम धमका कर कह दे कि बहुत गंदा गा रही है जा तू परे चला जा, उस बच्चे का व्यक्ति तो बन भी सके है और बिगड़ भी सके है, क्योंकि आगे वो तो उसा ही व्यवहार करेगा ना जिस हमने उस बीज रोपित कर दिया, बीज बो दिया उसके अंदर। तो हम गलती में कदे अपने अपने फ्रस्ट्रेशन में अपनी कुंठाओं के कारण कुछ भी कह दे हैं बालका थे, लेकिन वो बालका पे किस असर करा है वो उसका भविष्य बना भी सके है और बिगाड़ भी सके है। और न्यू फिर वही बात है सटीक बोलो, कई बार हम के है कि घना मीठा मीठा भी बोलने लग जाए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले का समझ में ना आती हो, सबका समझ में आ जाए भी हो किस तरह बोल रहा है कितना बोल रहा है। तो लेकिन जितना वही बात है अभी हम किसी खातर कुछ कर नहीं सकते, उसने राजी तो बोल सके है नुका अगर अभी गुड़ ना दे गुड़ कैसी बात कह दे। और दूसरा मैडम आपने जो उदाहरण बताया भी गप मारन की बजाय किसी की गुणा की व्याख्या करो, देखो एक तो यह पुरानी आदत है भी वो छोड़नी तो इतनी आसान नहीं है, महिलाएं तो बैठेंगी तो गप्पे मारेंगी, लेकिन मैं इसका विरोध करू हूँ क्योंकि ये एक धारणाएं है, वो ये सच्ची बात है कि धारणा नहीं बनानी चाहिए। और दूसरा कोई भी व्यक्ति है चाहे वो कितना ही बुरा है उसमें कोई ना कोई गुण तो जरूर होगा, तो हमारी नजर तो उस गुण में खोजने में लगी रहनी चाहिए भी इस बंदे में के गुण है। तो जब हम इन सब ये जो बुरी आदतें हैं जो चलती आ रही हैं उनका हम छोड़ सके हैं। तीसरा मैडम आपने बताया कि आपने किसी भी बात ना अपने ऊपर ना ले वे, ये मतलब आपने बताया कि किसी भी बात ना अपने ऊपर मत ले वे, या चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी हो दोनों हम तो कोई सी भी लेनी, क्योंकि अगर बुरी बात हम ना अपने ऊपर ले ली वह तो हमें नेगेटिव एनर्जी देवे ही देवेगी, हमारे विचार न खराब करेगी। अगर अच्छी बात ले ली किसी ने हमारी बड़ाई कर दी तो उस तभी घमंड आवेगा, मैं तो घना सुथरा हूँ मैं तो ईसा लागू हूँ मैं तो न्यू हूँ, तो वह भी अपने ऊपर नहीं लेनी है। और दूसरी बात अपने ऊपर लेने से पहले भी यो जो शरीर है यो तो हम है ही कौन है, हम तो आत्मा है और यो तो भी एक सूट पहन रखा है वस्त्रों के समान है। और दूसरी बात जो महिलाएं हैं बहने हैं वो राजी हो जानी चाहिए भी हमने तो अपनी मर्जी का सूट पहन का मौका मिलने लग रहा है। ध्यान करेंगे
तो भगवान भी पूछेगा कि बोल बंदे तेरी मर्जी क्या है, आगे हम अपनी मर्जी से अपनी आत्मा ने जिस चाहे उड़ा पूछा सके हैं। तो यह तो मजाक की बात थी, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ बात थी। तो मतलब तो हम इस स्थिति में है, इसे जगह आ रहे हैं कि भी अपनी मर्जी तो अपने शरीर का चुनाव कर सके हैं। तीसरा मैडम आपने बताया कि भी किसी की प्रति कोई धारणा मत बनाओ, क्योंकि मानव का जो व्यवहार परिस्थितियों के कारण होता है, हो सके भी एक बंदा तेरे खातर बुरा है मेरे खातर अच्छा हो, या मेरे खातर बुरा है तेरे खातर अच्छा हो। एक आदमी सबके खातर एक जैसा नहीं हो सकता है, और उसने जो भी व्यवहार करा वो पता नहीं किन परिस्थितियों में था, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, के कारण था। तो यह तो किसी के प्रति धारणा बनाने की कोई जरूरी नहीं है। हमने तो उसका व्यवहार न देख कभी उसकी आत्मा देखी, और आपने बताया भी पता नहीं वो कौन से लेवल पे है, किस लेवल पर बात कर रहा है। वही बात है, जिसने जितना ज्ञान होगा उतना ही तो एक्सप्लोर करेगा, उतनी ही तो बात कहेगा। तो हमने उसका ज्ञान नहीं देखना, हमने अपना ज्ञान देखना है, उसके हिसाब से उस व्यवहार करना है। जब हम भी उसके बराबर व्यवहार करेंगे तो फिर हमारा ज्ञान कड़ रहा, हम तो उसके जिसे ही होंगे। तीसरी बात आपने बताया कि हर परिस्थिति में 100% देना है, या बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि देखो अगर हम अपना 100% देवे हैं, इसके दो फायदे हैं, काम तो बढ़िया होएगा भी, हम 100% दे रहे हैं। अगर ना भी होया किसी कारण तक काम बढ़िया, कम से कम हमने पछतावा तो ना होगा कि हमने मेहनत ना करी, इबका ज्यादा पढ़ ले तो ज्यादा नंबर आ जाते, कम से कम इसी स्थिति तो ना आएगी, इसका पछतावा तो मन में ना रहेगा। तो भी हमने तो अपना काम कर दिया, वो याड़ा वाह बात आ जाओ, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, भी अपने कर्म करते जाओ, फल देना तो भगवान का काम है। तो ये आपने जीवन के चार सिद्धांत बताए। दूसरा अपने आपने एक बताया कि अंडर एस्टिमेट भी मत करो, भी अपने आप को एक सीमित उसमें दायरे में मत संकुचित करो कि भी हम यो ही कर सके है, इतना हमारे बस का है, किसी ने नहीं बेरा कि कौन कितना कर सके है। क्योंकि जब हमने मौका मिलेगा, जब हम उस क्षेत्र में जावेंगे, इवनू समुद्र के किनारे खड़े खड़े देखे जा, ना समुद्र में नहीं जा सकता मैं भाई, जब तक पानी में ना बढ़ेंगे जब तक क्यों कर तैरना आवेगा, और तैरना नहीं आओगे तो क्यों कर मोती काट कर लाएंगे। तो ये सारी चीज तो अपने आप ने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपने आप को संकुचित नहीं करना है, अपने आप को सीमित दायरा नहीं बनाना है। ये सारे आपने सिद्धांत बताए, लेकिन ये मैं बोलूं या चाहे आप बोलो या कितने लिख रहे हो, ये सारे सिद्धांत हैं, जब तक इन अपने जीवन में अपनावेंगे समझौते, तो ये जब बढ़ेंगे जब अपने जीवन में अपनावेंगे। तो मैडम ये आपने बहुत बढ़िया सारी बात बताई, और मैंने थोड़ा सा हरियाणवी का तड़का लगा दिया। तो अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया एक वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य व्यक्त करा। सरिता सरिता रजनी दैया को फिर बुलाओ, इनको बहुत अच्छा बोली है, इनको फिर दोबारा जो है ना पीएमसी चैनल पे बुलाओ, इनको इनवाइट करो कि फिर आना। जरूर सर, रजनी मैम जी देखो तो नुका आ गया ना, ऑडियंस की फरमाइश आ गई पड़ेगा दोबारा। सरिता मैडम मेरा टॉपिक ही कुछ ऐसा था जो हम रूटीन में मतलब अपने साथ सबके साथ है ये बातें, तो इसलिए बड़ी जल्दी। थोड़ा सा मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी सरिता बहन। जरूर मैम। अच्छा, पहले तो अपने सभी ग्रेट मास्टर्स को नमस्ते, मेरी हार्दिक नमन। और रजनी दैया मैडम आपने बहुत अच्छे शब्द, जो जरूरत है ना हमारे जीवन की, वो आपने मूल जरूरतें हैं वो सामने रखी हैं, जो बेस है हमारा। अगर वे चारों पॉइंट हमने अमल कर लिए तो वास्तव में फिर हमें शायद जिंदगी में जो ये बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं और जो मानसिक प्रताड़ना जो होती है हमारे ऊपर, शायद वो ना हो। क्योंकि मेरा एक अपना अनुभव मैं बताऊं, पहले तो ये जो आपका पहला पॉइंट है ना, और आप टीचिंग से रिलेटेड हो, तो टीचरों को तो कम से कम इस पॉइंट पे बिल्कुल 101% खरा उतरना चाहिए। क्योंकि टीचर जो होते हैं ना, भविष्य का निर्माण करते हैं, पता नहीं एक साल में 50 बच्चे आवे 60 आवे, तो 60 बच्चा मैं तभी अगर उन्हें दो चारा का कर दिया ना कुछ मनोबल डाउन, तो उनकी जिंदगी खराब है, वो कभी जिंदगी में नहीं उभर पाते।
क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं सोनीपत हिंदू स्कूल में थी तो हमारी मैथ की मैडम थी पुष्पा मैडम, मैं सब न भूल गई, उसको ही नहीं भूल सकती जिंदगी भर। तो वह क्या करा करती, एक मैथ की टीचर थी, नुके पाड़े सुनाओ बार ग्राउंड में खड़ी करके, सात का पाड़ा सुनाओ, सतुस्ते मखा जी 49 करती, कितने मखा जी 48 फिर डंडे मारती है, तो यहां मारती आता पे डंडे। तो आज तक भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, कोई नु कह देना 200 रुपए में तो 35 रुपए की चीज ली है, बाकी कितने देने, तो मैं 4 बार सोचूंगी। और फिर क्या हुआ, मैंने प्लस टू कर ली, मैट्रिक कर ली, प्लस टू में एडमिशन लिया, मखा जी मैंने तो साइंस साइड थी, इन्हू बोले नहीं बेटा आपके पास तो मैथ नहीं था, एलजेब्रा हाउस होल्ड हुआ करता उस टाइम, तो जो मतलब मेरे अपने प्रति सपने थे मेडिकल साइड के स्टूडेंट होने के, मैंने आर्ट लेनी पड़ी। तो आज भी जब कभी याद आता है, मैं तो जो भी टीचर मिले हैं ना उन्हें कहूँ भाई देखो बच्चों का मनोबल नहीं गिराना तुमने, तो मेरी ये प्रार्थना है कि सभी जो भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, और अगर कोई अध्यापक वर्ग से रिलेटेड है, तो ये शिक्षा ये प्रार्थना उनको जरूर करनी है कि भाई किसी बच्चे का की जिंदगी आप खराब मत करो। तो मेरी बस यही शब्द थे, आपका बहुत आभार, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, और कोशिश करेंगे अमल में लाने की। हाँ जी, ऑफिस में हम भी जाते हैं, कड़वी बात भी कह देते हैं, जैसे एक ने बता दी वो फलाना ईसा है, तो सोच ले हम भी हाँ वो ईसा होगा, और कह भी दे हैं, और वे बात जब उस तक पहुंचे तो हमारी जो अच्छी वो मित्रता थी वह सारी खराब हो जाए। अच्छा विजय ने नू कही थी, तो हम फिर इसे हो जाए भाई उसका मुंह देख कर हमने मुंह फेरना पड़े, क्योंकि गलती हमारी रही है। तो उसमें भी बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई दूसरे के शब्दों पे कभी भी आप विश्वास ना करो, खुद भी सोचो, अपने मन से अपने दिमाग से कुछ भी सोचो, आप भी तो देख सकते हो जो परमात्मा ने दिमाग दिया है। तो धन्यवाद रजनी दैया मैम। छोटा सा एग्जांपल है, मैं यहाँ एक बार बिशनपुरा में पोस्टिंग थी, तो सब कहते थे कि ये बंदा ना किसी को नहीं टिकने देता, तो इंचार्जशिप मेरे पास आ गई, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता ये किसी को टिकने देता है नहीं देता, लेकिन इसने मेरे साथ कुछ नहीं ऐसा करा, मेरे तो हमेशा मेरे साथ साथ चला है, मेरे को सलाह देता चला है। तो मतलब उसने बंदे ने मतलब पूरा स्कूल परेशान था, लेकिन मेरे साथ तो वो यूं लगा लो मेरे को सलाह देता हुआ चला, मेरे को नहीं परेशानी आने दी। सारे कहते भी आपसे तो शायद वो बाई कास्ट वो सेम था मेरी कास्ट में, तो सब लोग तो यही सोचते रहे कि भाई कास्टिज्म का इफेक्ट है, लेकिन मैंने नहीं सोचा ये कि मैं कास्टिज्म नहीं, ये मैं उसको अच्छे उसमें सोच रही हूँ ना कि ये मेरे साथ नहीं करेगा, ये मेरे साथ तो पॉजिटिव चलेगा, और वो मेरे साथ पॉजिटिव चला। मैं बड़े स्मूथ अपने इंटर्नशिप मैंने पूरी की वहां से ट्रांसफर हुई, तो ये मेरी थॉट थी, लेकिन लोगों की जो सोच थी वो कुछ और थी, उन्होंने उसे इज्म के साथ जोड़ दिया, चलो वो उनके लेवल तक की बात थी, लेकिन मेरे को तो ये है कि मैंने उसने मेरा हमेशा साथ दिया जिसको सब लोग नेगेटिव कहा करते, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई थॉट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है वो आपके साथ कैसा बिहेव करता है, सिचुएशन है, आपकी वाइब्रेशंस हैं, आपकी पता नहीं उस सोल के साथ क्या रिलेशन है पहले, जो आपके साथ चलेगा या आपसे दूर चलेगा। तो कहते हैं ना मैडम, कहते हैं भाई हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में हम लोग जुड़े हुए थे, तो वो ऐसे ही लगता है कि जुड़े हुए थे, वाकई हम सारे जुड़े हुए थे, हमारे साथ कौन कैसा बिहेव करेगा वो हमारे डिसाइड करके आए हुए हैं सारे, लेकिन हमने जो अब हमारा जो टारगेट है हमारा तो पॉजिटिव रहने का है, नेगेटिव का नहीं है। बस यही कहूंगी मैडम। बिल्कुल सही रजनी मैम, जैसे मान ले कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति खराब भी है, मतलब उसका उसके विचार या उसका व्यवहार गलत भी है, मैं एक उदाहरण दूंगी कि जैसे कोई बच्चा है उसने चोरी कर ली और सारे जने नु कहेंगे तू चोर है चोर है, तो चाहे वो छोटी सी गलती है उसकी, लेकिन उसके दिमाग में ये हो जाएगा कि सारे मने चोरे कहें तो मैं चोरे बन जाऊं। और अगर हम उसी बच्चे को कहेंगे ना बेटा बचपन में छोटी छोटी गलतियां तो मार पे भी हुई है और तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो वो अपने आप को सुधारेगा, तो नेगेटिव शब्द की बजाय पॉजिटिव शब्दों का तो उसके जीवन के रुख पे अलग ही प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी ये सोच है दीदी। ठीक है ब्रिजेश मैडम,
सरिता दैया को बोलो कि आज जो है अंजू कंबोज जी कोई सरसा से जुड़ी हैं, उनका भजन है। सरिता जी कहेंगी क्यों, समय होने वाला है, टाइम जो है ना जल्दी जल्दी जा रहा है, तो प्लीज सरिता जी सुन रही हो तो आप उनको अंजू कंबोज जी को बुलाओ। यस सर, मैं सुन रही हूँ और मैं बुलाने वाली थी अभी, मेरे को ध्यान था। बाकी आपने बहुत सही बात की रजनी मैम भी और विजयस मैम भी, क्योंकि हमारे शब्द ही है जो किसी का व्यक्तित्व बना भी सके हैं और बिगाड़ भी सके हैं। और जैसा कि हमारे कार्यक्रम की रवायत है और टाइम हो है, तो हम जरूर एक भजन प्रस्तुत करवाना है, क्योंकि भगवान की स्तुति भजन के बिना पूरी नहीं हो पाती है, और भगवान की स्तुति में भजन एक मुख्य भूमिका निभावे है, आप भगवान तक जोड़न में काम करे हैं। तो अंजू कंबोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मुख्य स्क्रीन पर आओ और अपना भजन प्रस्तुत करो। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आज मैम ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे विचार रखे मैम ने आज। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है। हाँ मैम, वो ना थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो मैं थोड़ा अंधेरे में हूँ इसलिए ऑन नहीं करी। ओके हाँ जी, हाँ जी, सभी को मेरा सप्रेम हरिओम। हरिओम मैम। ईश्वर है तुझे कहते, भगवान है नाम तेरा, ईश्वर है तुझे कहते, भगवान है नाम तेरा, हर सांस सांस मेरी हरि ओम नाम तेरा, हर सांस सांस मेरी हरि ओम नाम तेरा, फूलों का है तू माली, तारों का है तू चंदा, फूलों का है तू माली, तारों का है तू चंदा, सारी जमी है तेरी और आसमान तेरा, सारी जमी है तेरी और आसमान तेरा, ईश्वर है तुझे कहते, भगवान है नाम तेरा, ईश्वर है तुझे कहते, भगवान है नाम तेरा, हर सांस सांस मेरी हरि ओम नाम तेरा, हर सांस सांस मेरी हरि ओम नाम तेरा, अलकन में तू बसा है, पलकन में तू बसा है, अलकन में तू बसा है, पलकन में तू बसा है, धड़कन पुकारती है हरि ओम नाम तेरा, धड़कन पुकारती है हरि ओम नाम तेरा, ईश्वर है तुझे कहते, भगवान है नाम तेरा, हर सांस सांस मेरी हरि ओम नाम तेरा, वेदों में तू लिखा है, पुराणों में तू छिपा है, वेदों में तू लिखा है, पुराणों में तू छिपा है, गीता पुकारती है हरि ओम नाम तेरा, गीता पुकारती है हरि ओम नाम तेरा, ईश्वर है तुझे कहते, भगवान है नाम तेरा, हर सांस सांस मेरी हरि ओम नाम तेरा, तू मेरे घर आना, घर घर बना के खेले,
मेरे घर आना, घर घर बना के खेले, छोटा सा घर हो मेरा जिसमें मुकाम तेरा, नन्ना सा घर हो मेरा जिसमें मुकाम तेरा, ईश्वर है तुझे कहते, भगवान है नाम तेरा, ईश्वर है तुझे कहते, भगवान है नाम तेरा, हर सांस सांस मेरी हरि ओम नाम तेरा, हर सांस सांस मेरी हरि ओम नाम तेरा, हर सांस सांस मेरी हरि ओम नाम तेरा, हरि ओम नाम तेरा, हरि ओम नाम तेरा, हरि ओम नाम तेरा। बहुत बढ़िया अंजू जी, बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत करे आपने, और बिल्कुल सच्ची बात है, जब ये जो हमारी सांस है वो हरि ओम नाम बन जाएंगी, सांस न रहकर हरि ओम बन जाएंगी, जब भगवान बन जाएगी, जब हम पूर्ण स्थिति न पास कहे हैं। और आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजू कंबोज जी। हाँ जी, हाँ जी मैम, थैंक यू अंजू जी। हाँ जी मैम। सुमित सर, संगीता मैम तो नहीं है अभी, आगे मैडम बोल। हाँ मैडम, अभी ध्यान yes, कर मैडम सर को। हाँ जी, यस मैडम, यस मैडम, संगीता मैम दस मिनट ध्यान, दस मिनट ध्यान कर सकते हैं मैडम, आप इंस्ट्रक्शन दे दो, मैं म्यूजिक प्ले कर दूंगा मैडम, दो मिनट आप इंस्ट्रक्शन दे दो। इतनी बड़ी मास्टर नहीं हो सर, अभी मैं आप ही ध्यान करवाओ। बेसिक बेसिक ध्यान कैसे करना, वो उंगली में उंगली करके दोनों आंख बंद करके उच्छ्वास निच्छ्वास का सरल सहज श्वास के ऊपर हम ध्यान रखना, यही ध्यान है। तो बस ये दो तीन शब्द बोलो मैडम, बाद में आपका पीछे मैं वो म्यूजिक एक स्टार्ट कर दूंगा पति जी का, दस मिनट हम ध्यान कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। देखो आज हमारे पास समय बच रहा है तो हम ध्यान जरूर करेंगे, क्योंकि ध्यान हमारा मकसद है, इसके लिए सारे भांड भाई मास्टर सारे सुखासन की स्थिति में आ जाएं, और जो भी चश्मा वगैरह आपने पहन रखा है वो उतार लें, और हाथ में हाथ एक दूसरे उंगलियां फंसा के आंख बंद करके बैठें, और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं, कैसी सांस आ रही है, कैसी जा रही है, गर्म है, नर्म है, सिर्फ उसी पर ध्यान रखें, आगे तो ध्यान का काम है और सारे ध्यान में आएंगे। स्वागत है आप सबका।
लास्ट एक मिनट लास्ट एक मिनट अभी चार
तीन दो एक अपने हाथ अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, सबने अपनी अपनी प्रस्तुति बहुत बढ़िया दी। रजनी मैम आपने बहुत ही सुंदर शालीन स्पष्ट शब्दों में अपनी प्रस्तुति दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजू कंबोज जी आपने भी बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश मैम और कन्हैया भैया जी आपने भी मेरा साथ दिया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। कल सुबह नाद साधना में फिर मिलेंगे। अब सभी बहन भाइयों को राम राम।